सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को बता दूं, जैसे गरीना फ्री फायर डिलीट करने के बाद अपनी पुरानी कस्टम मोड कैसे वापस लाए, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों ने उसमें काफी अच्छा रिएक्शन भी दिया था और काफी लोगों ने थैंक यू सो मच वगैरह वगैरह बोला था कि मेरा गाइस हो गया। बट काफी बंदों के कमेंट ऐसे भी आए थे कि भाई अपलोड कीजिए कि मैंने डाउनलोड कर दिया तो मेरी कस्टम मोड चला गया। तो उसके लिए गाइस मैं आप लोगों को फिर से एक बार डिटेल में समझाना चाहता हूं कि भाई एकदम आप लोगों को डिटेल में समझाऊं कि भाई अपलोड ही करना है। 2 मिनट की वीडियो में पूरा समझा दूंगा कि अपना कस्टम मोड वापस कैसे लाया जा सकता है। तो आप लोग यहां पे सेटिंग पे आके सेंसिटिविटी पे जाके आप लोग देख सकते हो, मैं पहले सेटिंग पे जाके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अपनी सेटिंग मैंने अपलोड कर दी है, अब आप लोगों को लाइव पूरा दिखा रहा हूं, आप लोग यहां समझने की कोशिश कीजिएगा पिछली वीडियो अगर नहीं समझ पाए तो। अब मैंने अपना सेटिंग अपलोड कर दिया, उसके बाद मैं अपना कस्टम मोड एकदम बेकार कर दूंगा, उल्टा सीधा कुछ भी कर दूंगा, मतलब यहां से वहां रख दूंगा और आप लोग भी देख सकते हो। और इसके करने के बाद मैं आप लोग को लाइव गेम प्ले भी दिखाऊंगा, लोन वॉल्व गेम प्ले आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, मैं लोन वॉल्व ये गेम प्ले कर रहा हूँ और इसमें आप लोग देख सकते हैं मेरी पूरी सेटिंग जा चुकी है। तो देख सकते हैं ना, मैंने अपना पूरा कस्टम मोड बेकार कर लिया है, लेकिन मैंने क्या किया था, अपलोड पे रखा था, ठीक है। तो उसी का आप लोग को दिखाऊं। तो जैसे ही आप लोग की सेटिंग खराब हो जाती है तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को फिर से सेटिंग पे आना है और यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड दिखना होगा। अब आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपको सेटिंग डाउनलोड करनी है। अब क्या होगा, डाउनलोड करने के बाद आप लोग मेरा कस्टम मोड देख सकते हैं, पूरा वापस आ चुका है। अगर आप लोग को अभी भी विश्वास नहीं तो आप लोग को मैं फिर से लाइव गेम प्ले करके दिखा सकता हूँ। और लोन वॉल्व जैसे स्टार्ट होगा तो आप लोग देख लेना, मेरी पूरी कस्टम मोड फिर से वापस आ चुका है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो देख सकते हैं, पहले मैंने अपलोड अपनी सेटिंग की थी, उसके बाद डाउनलोड की थी और देख सकते हैं मेरा पूरा सेटिंग वापस आ चुका है। तो इसी तरह से आप दूसरे मोबाइल में भी अपनी सेटिंग ले सकते हैं, बस आप लोग को अपनी सेटिंग अपलोड कर लेना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद आप किसी भी मोबाइल में अपनी सेटिंग डाउनलोड करते हैं तो आप लोग की इजीली सेटिंग आपकी वापस आ जाएगी। किसी भी मोबाइल में अपनी सेटिंग आप लोग आराम से ला सकते हो, बस आप लोग को सिर्फ अपलोड पे रखना है और दूसरे मोबाइल पे अपनी आईडी खोल लेना है और जाके डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे आप लोग की पूरी सेटिंग वापस आ जाएगी। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो गाइस, अगर आप लोग को और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं।